नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। रामपुर में एक बार फिर भ्रूण हत्या का मामला प्रकाश में आया है। ताजा मामला यूपी के रामपुर का है, जहां नवी अहमद की पत्नी जैनब नागिना ने चार दिन पहले बेटी को जन्म दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पति नवी अहमद ने चंद रुपयों के लिए अपनी बेटी बेच दी। बताया जा रहा है कि नवी अहमद के पहले ही 7 बेटियां हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसने ऐसा कदम उठाया। जब नवजात की मां को इस बारे में पता चला तो उसने जिला अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा तब पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए नवजात बच्ची को मां बाप की सुपुर्द किया। वहीं बच्ची के मां बाप भी पुलिसिया कार्रवाई से बचते नजर आए और मीडिया के कैमरे पर आपसी सहमति से बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए बच्ची देने का मामला बयान किया। वहीं COCT NP सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल CMS के पत्र द्वारा बच्ची की गोद देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मां ने बच्ची को वापस लेना चाहा। इस संबंध में थाने पर तहरीर दी गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर बच्ची को मां बाप के सुपुर्द किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या लड़की होना अपराध है? लड़की की चाह में नवी अहमद ने 8 लड़कियों को जन्म किया। वहीं उसकी गरीबी बच्चियों की परवरिश करने में रोड़ा बन रही थी, इसके चलते उसने यह कदम उठाना पड़ा। 8 लड़कियां, और ये कितने नंबर का बच्चा था आपका? 8 ये 8वां, बाकी भी बेटियां हैं। तो आपने ये बेटी आपको किसी को क्यों दे दी आपने? हमने पहले कहा लेती थी, आवाज लेकर हमने ले ली। अच्छा, तो आपने अपनी पत्नी से पूछा था? आपने अपनी पत्नी से पूछा था? पूछा था। वो मना कर रही है कि मेरे पति ने मुझसे नहीं पूछा था। क्यों? और सुनो, आपने पालना चाहती है तो उसकी सहमति से और दोनों पक्षों की सहमति से बच्चा उसको वापस मिल गया है। बच्चे की कहीं खरीद फरोख्त या कोई चोरी होने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी इस एंगल को देखा जाएगा, अगर कोई बात सामने आएगी तो उसके हिसाब से।